Assalamualaikum everyone and welcome to another brand new video. तो गाइस आज मैं मौजूद हूँ काशगढ़ सिटी में और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये काशगढ़ का एंशियंट टाउन है, यहाँ पुराने जो लोग रहते थे उनकी रिहाइश गाहें हैं। तो आज के इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे पूरा काशगढ़ सिटी और यहाँ के खाने, यहाँ के लोग, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। इस जगह को गौथाए पोस्ट हाउस कहते हैं और यहाँ पे जो है ना उस ज़माने के जो कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ होती थी वो जो है ना इस एरिया में रहती होती थी। और ये जुगाड़ लड़ाया हुआ, इधर भी कूलर रखे हैं और ये छुरियां रखी हुई, नाइस। फैमिली अनार खा रही है, चलो डिस्टर्ब नहीं करते। और ये फिर एक चौक सा आ गया दरमियान में, तस्वीरें बनवा रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी भी टाइट रखी हुई, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं हर जगह पे, कोने कोने में। अच्छा, यहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं और फोटोग्राफी हो रही है इनकी, ये मिट्टी के बर्तन में। अच्छा, ये बनाए भी हुए हैं जो रंग वगैरह किए हैं इनको भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके पीछे ये मिट्टी पड़ी हुई है जिससे ये बर्तन बना रहे हैं और ये यहाँ पे बना रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और चाइनीज सारे पिक्चर्स बना रहे हैं। बनाई हुई है इन्होंने चीज़ें और इनको सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। नेहा, ये पता नहीं अब क्या रखा हुआ है, गुलाब के फूल हैं। अच्छा, ये इनकी चाय पत्ती, तीसरी शमा जगह से छा छाई छाई काशगढ़ का छा काशी अच्छा है जनफी चाय, हाँ जगह इगाजिन दो शाव चाय सश तीस चालीस चालीस है ई पाओ। अच्छा, एक पाओ है। अच्छा, काशगढ़ में इस तरह के कपड़े पहनते हैं और चाइना में बाकी जो आवाम है वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते। गिरा दे गिरा दे गिरा दे, कोई मसला नहीं, गिरा दे। अच्छा, ये ये मैंने देखा लोगों को आगे पहने हुए होते हैं, ये काशगढ़ के जो लोकल वो ये पहनते हैं, मोस्टली बूढ़े जो लोग होते हैं वो ऐसी कैप्स पहनते हैं। और ये हम नीचे आ गए उस एरिया से और देहाती एरिया की तरह जगह है यार, इनको चाइनीज़ जो है ना वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी ना इतना अच्छा प्रेजेंट करके देते हैं ना कि बंदा ना चाहते हुए भी वहाँ जाता है विज़िट करने के लिए। तो वही सीन है, ये सीन तो हमारे इधर पाकिस्तान में हर गांव में मिल जाता है, लेकिन इन्होंने जो अच्छी बात है ना वो पुरानी चीज़ों को ना सेव करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप पाकिस्तान वाले हिसाब हो तो
हर बंदा एंट्री ले रहा होता है जिस जगह मर्जी अंदर जाके देखे। यहाँ पे एंट्री नहीं है, बस बाहर से आप देख सकते हो और अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है। ये आप देखें, ये अंदर आए बिस्के भी जाने की परमिशन नहीं है, साइड से आप देख सकते हो। और ये सारा ओल्ड सिटी, अब हम बैक वाली साइड से फिर जो है ना साइड से हम जा रहे हैं, इस जगह से हम इंटर हुए थे। ये है इंट्रेंस इस जगह की और ये सही खूबसूरत, ये क्या बनाया हुआ माशाल्लाह। और अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी थी वो ये थी, ये यहाँ पे जो है ना बैठे हुए स्केच बना रहे हैं इस जगह का। और ये तकरीबन लास्ट 2 आवर से मैं इनको देख रहा हूँ, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे ही मैं इंटर हुआ था इनको सबसे पहले मैंने देखा था। और अब निकलते हैं हम आगे की तरफ, मेन जो ओल्ड सिटी है वो देखने चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते यहाँ पे। और अभी हम पहुँच गए हैं ओल्ड सिटी के बिल्कुल पास, ये इंट्रेंस है। और यहाँ से अंगूर ले लेते हैं। वही चगा दो शौचन इगा जिन इगा जिन शिबा 18 रुपए आओदा 18 रुपए इगा जिन शिबा एक आधा किलो 18 रुपए का दे रहे हैं। बस का कहना है लग वाला लग तू ना ज्यादा मत दे सकी अगदिम ज्यादा कड़ लग बढ़िया खस्ता है जो सही दे। तो शिशन 13 रुपए हाँ से ये एंशेंट सिटी ऑफ काशगर जो ओल्ड सिटी है इसका ये शुरुआत होती है। और अगर इस सिटी के बारे में पढ़ने का शौक़ हो तो ये जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप ये भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। और अभी चलते हैं अंदर काशगर की ओल्ड एंशेंट सिटी में और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। हालांकि काफ़ी पुराने घर हैं, 16th century में यहाँ पे ये बने हैं। यहाँ से ये ओल्ड सिटी शुरू हो रहा है और सबसे पहले सिक्योरिटी वाले को देखने को मिलेंगे, पुलिस वाले खड़े हैं। यहाँ से अब एंट्री होगी, अब मुझे नहीं पता कि अच्छा सा सामान भी रखना है सर। शीशा सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा हुआ है। तो अले का कुम सेट गुरु कुम सेट ने शुरू को दे सेट ना कागज सेट ना दे सेट ना वाला शुभ ब्याह वर ना रहता हो शुखा। ये सारी लोकल मार्केट, लोकल जो स्टफ है, कल्चरल जो ड्रेसेस हैं और कल्चरल जो स्टफ पड़ा हुआ है वो सारा बेच रहे हैं। तो ये सीन है। सस्ते हैं ये सारा लोकल स्टफ। फिर अलादीन के चरा चगा शिदो शाचा शिवो 15 अच्छा सेम ही है प्राइस, पीछे जो देखा था उसके भी 15 ही था। और ये मोती वगैरह इस पर चाइनीज़ में करेक्टर लिखे होते हैं तो आप अपने हिसाब से जो है ना सेलेक्ट करके तो इससे एक ब्रेसलेट सा बना सकते हैं। ये होते हैं मोती इस तरह के जगह से श्वेता मानो हाँ ये पत्थर नहीं है ये मानो है। ये सारे ओल्ड सिटी नाम दिया हुआ है लेकिन मार्केट बनाई हुई है इन्होंने सामने। मेरे ख्याल से इस जगह से आगे जाने के बाद जो है ना जो ओल्ड आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये सारी शॉप्स ही हैं।